ये रही कुछ बॉडी कंडीशन आज के शोल्डर के वर्कआउट की, अभी पोज बना के दिखाएंगे तो आपको। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आ गए फिर एक वीडियो के साथ में। उसी सीरीज़ में ये चल रहा है शोल्डर का वर्कआउट। हमने मंडे को चेस्ट किया, उसके बाद हमने बैक का वर्कआउट भी किया। अभी हम करने वाले हैं शोल्डर का वर्कआउट, उस बाइसेप्स का हमने कल कर दिया था। ये चौथा वर्कआउट है हमारा शोल्डर का, डे फोर है, चौथा वर्कआउट है। पहले करते हैं वार्म अप से स्टार्ट, फिर आपके साथ में शर्ट शेयर करूँगा, बेसिक आपको हेल्प मिलेगी वर्कआउट करने में। तो करते हैं पहले वार्म अप स्टार्ट। आइए स्ट्रेचिंग कर लेते हैं हल्की फुल्की, क्योंकि हर एक्सरसाइज से पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मसल्स एक्टिवेट हो जाए। तो कुछ ऐसे आप शोल्डर का वार्म अप कर लीजिए। तो 5 मिनट का वार्म अप हो गया है, अभी करते हैं स्टार्ट। पहला सेट फ्रंट से रॉड लगाएंगे। पहला सेट फ्रंट लगा रहे हैं। ग्रिप आपको शोल्डर के शीध में रखनी है, बहुत ज़्यादा वाइड ग्रिप नहीं रखनी है, बहुत कम भी नहीं रखनी है, बस शोल्डर की सीध में जितना आप अच्छे से उठा पाएँ। तो पहला सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रंट का। 1 2 3 4 इस तरीके से आपको 10 12 15 में 3 रैप लगाने हैं, सॉरी 3 सेट लगाने हैं 10 12 15 की रैप कैटेगरी में। अभी सेम जब हम बैक लगाएंगे ना तो शोल्डर में ग्रिप बढ़ा देंगे, वाइड ग्रिप कर लेंगे ताकि बैक में अच्छे से परफॉर्म हो पाए। तो वाइड ग्रिप करने के बाद ये लगाते हैं सेकंड सेट अपना। 1 2 3 4 5 ये हमारे दोनों सेट होते हैं कंप्लीट। थर्ड सेट डंबल प्रेस फ्रंट, आपको अपने अकॉर्डिंग वेट लेना है और परफॉर्म करने का तरीका देख लेना, उल्टा सीधा सेट नहीं मारना है ताकि आपको इंजरी ना हो। बहुत प्यार से शोल्डर का वर्कआउट करना है, कई बार दर्द बन जाता है तो फिर आपको दिक्कत होती है। फ्रंट में टेबल ये ऐसे सहायता ले लेनी है, 1 फिर यहाँ तक लेके आना है, 2 3 4 5 6। आप परफॉर्मेंस का तरीका देख सकते हैं मेरा, मैं मिरर में देख के लगा रहा था, कैमरा इस साइड है तो हो सकता है हल्का सा इशू आया हो, लेकिन आपको इसी तरीके से करना है। ये हमारा हो गया तीसरा सेट। यहीं हम चौथे सेट को अपना कंप्लीट करते हैं नेक के लिए। तो 1 बाई 1 हैंड लेंगे, तो डंबल अपनी अकॉर्डिंग, नेक के लिए सेट नंबर 4 है 15 12 की रैप कैटेगरी में लगाना है। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पैर नहीं फैलाने हैं, बस अकॉर्डिंग टू शोल्डर। 1 2 3 4 5 अगर आपके पास एनर्जी बच रही है बाद में इतना करने के बाद, दोनों एक साथ लगा सकते हो और फील करना है कि नेक पे लोड आना चाहिए। ऐसा नहीं मार रहे हो लोड जा रहा है शोल्डर पे, नेक का सेट लगा रहे हो तो नेक पे ही लोड जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये डबल भी लगा सकते हैं लास्ट में जब एनर्जी बच रही है तब। और दोस्त बहुत ज़्यादा बॉडी को हिला रहे हैं, बहुत से लोग देखे हैं ऐसे हिलाते हैं, पूरा प्रेशर बन जाता है बॉडी पे, फिर मसल्स पे लोड नहीं जाता है ना। हमारे 4 सेट कंप्लीट हो गए हैं, 5वां सेट फ्लाइंग डंबल करेंगे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आपको यहाँ से लेके जाना है डंबल ये, और सेम 1 2 3 4 यही प्रोसेस है, ना बहुत ज़्यादा आगे हाथ ना बहुत ज़्यादा ऐसे सीधे, सिर्फ शोल्डर की सीध में यहाँ से उठाएंगे ना जब हम, ये परफॉर्मेंस रहेगी 15 12 10 की रैप कैटेगरी में। अभी हमारा है लास्ट सेट चरक्स का, चाहे आप डंबल से लगा सकते हैं चाहे रॉड से लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है थोड़ा भारी वेट ले लिया करिए ताकि जल्दी लोड आपके शोल्डर पर आए। तो डंबल मैंने ले लिए 20 20 kg के, चरक्स का सेट हम कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 थोड़ा होल्ड करके रखना है और बहुत स्लो नीचे छोड़ना है। अप थोड़ा होल्ड फिर डाउन, अप थोड़ा होल्ड फिर डाउन। तो इस तरीके से आपको ये सेट करने हैं कंप्लीट।
छः सेट हो गए बेसिक था, वैसे बहुत सारे एडवांस सेट हैं, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी अगर आप शुरुआती दौर में हैं। और ये यूनिवर्सल सेट हैं, ये लगते ही लगते हैं। तो ये सेट लगते ही लगते हैं, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको वर्कआउट के बाद पोजिंग ज़रूर करनी है। जिस दिन जिस चीज़ का वर्कआउट कर रहे हैं पोजिंग ज़रूर कीजिए उस पार्ट की, ताकि आपका पार्ट अच्छे से ट्रेन हो जाए। अभी हम शोल्डर की पोजिंग आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं ये रही कुछ बॉडी कंडीशन आज के शोल्डर के वर्कआउट की, अभी पोज बना के दिखाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है पोज की पर डे। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है ये। अभी हल्का सा मेरी नेक में पेन है तो प्रॉपर मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी है, बहुत जल्दी ये सेट आ जाएगा। देख सकते हैं बाकी सब मस्त है, डाइट लेते रहें, वर्कआउट करते रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आगे भी वीडियो आने वाले पूरा 7 डे का वर्कआउट सीरीज में, आप देखना सीखना कमेंट करना। फिट रहो, मस्त रहो, अच्छी डाइट लेते रहो दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।